गाइस, कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब यूट्यूब फैमिली बढ़िया होगी, मस्त होगी, स्वस्थ होगी। देखिए, हाँ, कल जन्माष्टमी है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। आज हम दिखाएंगे मार्केट से क्या क्या लेके आएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। ये देखिए, सफाई भी चल रही है, देखिए ये सब साफ करके रखे हैं। और ये मैंने अपने कान्हा जी की, ये देखिए ये पगड़ी बनाई है अपने लड्डू गोपाल जी की, अपने लड्डू गोपाल जी की मैंने ड्रेस तैयार की है। ये देखिए, ये और सारे भगवान जी की है, सब छोटी छोटी ड्रेस हैं, ये देखो सब तैयार करके रखी हैं। अब मैं इनके साथ का सामान लेके आऊँगी, उनके हाथ के और उनकी माला वगैरह लेके आऊँगी बाज़ार से। तो आज हम दिखाएंगे अपने लड्डू जी की शॉपिंग करेंगे आज हम। और मम्मी का ही फ़ोन आया है, मम्मी की ड्रेस नहीं बन पाई है तो मुझे उनकी ड्रेस भी लेनी होगी, ड्रेस उनके लिए खरीदनी होगी मार्केट से। चलिए तो हम दिखाते हैं आज मार्केट में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या क्या खरीदते हैं, और उसके लिए देखने के लिए आपको पूरा वीडियो पे बने रहना होगा, पूरा वीडियो को देखना तभी आपको पता चलेगा हमने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। और वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए आ रहे हैं चैनल पे। चलिए तो चलते हैं मार्केट। ये देखिए हम मार्केट में आ गए हैं, मार्केट में चल रहे हैं, अभी दुकानों के पास नहीं गए हैं। जन्माष्टमी के लिए बच्चों के लिए झूला वगैरह लग रही है इस बार तो इधर भी लग रही है दुकानें। ये देखिए हम आ गए हैं दुकान पर, और छोटे छोटे से लक्ष्मी गणेश जी की चाहिए भैया, साईं बाबा की दुकान है। ये लिया है अभी तक, गांव के लिए लिया है पोशाक, ठीक है ना? देखिए ये आ जाएगी, दिखा भैया, इनकी जैसे बड़ी माला और भी होंगी इसमें ना, छोटे वालों के लिए ये ले लूँ, बड़ों के लिए ये ले लूँ, है ना? सही ना, है ना? इसमें कोई और कलर देखूं जैसे ग्रीन है, कितने बड़े गोपाल जी हैं? ये रहेगी, ये देखो साइज लिखे हुए हैं, साइज बताओ, यही है, वही है बस। बोल, आकाश भी अपनी जॉब से आ गया है, पापड़ में इसकी जॉब है, तो अब ये अपना सामान लेकर निकल जाएगा गांव के लिए। अब उसके बाद चलेंगे हम घर, क्योंकि सामान तो हम ले चुके हैं, सामान हम प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे आपको घर पर ही। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और जल्दबाजी भी कर रहे हैं दुकान वाले भैया भी और ग्राहक भी, कोई इधर से धक्का दे रहा है, कोई इधर से धक्का दे रहा है। जल्दी से चलते हैं घर पर, घर पर फिर हम दिखाएंगे आपको अपने लड्डू गोपाल जी का सामान कि हम क्या क्या लेके आए हैं, क्या क्या लिया है उनके लिए। बाजार में काफ़ी भीड़ है आज, तो कल जन्माष्टमी है। फाइनली हम बाज़ार से आ गए हैं सामान लेकर,
लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी के लिए क्या क्या लेके आए हैं, अब रेनू दिखाएगी, क्योंकि दुकान पर काफ़ी भीड़ थी, आपने देखा ही था वहाँ पर। तो ये देखिए तोते लाए हैं हम अपने लड्डू जी के खेलने के लिए। ये देखो तोते का जोड़ा हो गया पैर, और ये हम उनकी हांडी लाए हैं कल को जो हम रखेंगे ना अपने लड्डू गोपाल जी के पास। हांडी है और भी बहुत सारा सामान लाई हूँ मैं, बहुत सारा तो मैंने घर को भेजा है, लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि अपने लड्डू गोपाल जी का भी खरीदना था सामान और मुझे गांव के लिए भी खरीदना था, कि वहाँ मम्मी ने बोला था। ये देखिए ये हम फैंसी वाली हांडी लाए हैं, छोटी छोटी मोतियों वाली, हमने पहले ये ले ली थी हांडी और हमने बाद में फिर ये वाली देखी, मुझे ये भी अच्छी लगी तो मैंने ये भी ले ली। ये तो कह रहे थे कितनी सारी हांडी लेगी, मैंने कि मुझे ये भी अच्छी लग रही है। और ये देखिए ये लाए हैं हम मोर, ये लड्डू गोपाल जी के पास रखेंगे, अभी पिन्नी में तो इसलिए लुढ़क रहे हैं, ये देखो। और ये देखिए ये मुझे ना दीवे बहुत सारे घर पे अच्छे हो रहे हैं कटे, और ये मुझे ना ये कटिंग वाला बहुत बहुत सुंदर दीवा लगा, इसमें ऐसे कटिंग सी हो रही है फूल की तरह, और मैं बोली मैं ये लेती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये। और ये चंदन लाए हैं हम, अजी वो कहाँ है इसमें, तो वो अच्छा है इधर, ये जो टीका लगाते हैं ना चंदन का, ये देखिए ये साचा है, ये चंदन का जो लंबा वाला टीका लगाते हैं ना ऐसे करके, ये साचा है। और ये लड्डू जी के हाथों के हैं, देखिए मेरी बिल्कुल ड्रेस से मैचिंग के लेके आई हूँ, ये देखिए मैच हो गए ना, देखो जब तो सही से मैं दिखा नहीं पाई थी ड्रेस, मेरे हाथ में था फोन, अब देखिए ये मैंने खुद ने बनाई है अपने लड्डू जी की, ये पगड़ी बनाई है देखो पूरी फिनिशिंग के साथ में, ये देखो ऐसे हमने पूरी इनकी मैचिंग का ये लेके आई हूँ मैं ड्रेस की, ये हमने छोटी छोटी सब की बनाई है देखो, ये भोले बाबा की है चुन्नी है ये गोरा मैया की, और ये लक्ष्मी गणेश जी की है, ये देखो ये उनका पट्टा है साथ में, ये हमारे खड़े हुए विष्णु जी हैं, ये उनका पटका है, ये उनकी है धोती और पटका, और ये चार थी ना, हाँ ये हमारे छोटे छोटे से हैं भगवान जी, तो उनका पटका भी नहीं आता है, बस उनको ये ऐसे ही फ्रॉक सा बना के बांध देते हैं हम, उनकी सबकी बनाई है। अभी भी मेरे ना साईं बाबा और वो रह गए हैं माता रानी, और ये उनके पैरों के हैं, पैरों के मैं हल्के ही लेके आई हूँ, क्योंकि उनके मैं दो तीन जोड़ी अभी थोड़े दिन पहले जब गई थी मार्केट जब लेके आई थी उनमें घुंघरू लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा हैवी वाले नहीं लाई, अभी पतले पतले से लेके आई हूँ उनके, जो उनको भी परेशानी नहीं होगी। ये देखो ये माला लाई हूँ, ये विष्णु जी की है, ये लड्डू गोपाल जी की लेके आई हूँ, और उनके लिए मैं ग्रीन वाली भी माला लाई हूँ, ये वाली देखिए ये इनकी ड्रेस के साथ की, और ये विष्णु जी की ड्रेस के साथ की होगी, ये मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ कभी, देखो ये भी मुझे एक और अच्छी लग रही थी लड्डू जी के लिए माला, एक ये लेके आई हूँ, इसमें पीछे धागा इनमें समय ना पहले डोरी इनके साथ में है, ये लगेगी इनके साथ में देखो, और ये मेरे लड्डू जी की बांसुरी, इसमें भी देखो ग्रीन कलर आ रहा है ना, ग्रीन और रेड कलर आ रहा है, राधे राधे लिख रहा है इस पर बांसुरी पे, कितनी सुंदर लग रही है, पहले भी जो मैं बांसुरी लाई थी उस पर भी राधे राधे लिख रहा था। और ये पगड़ी मेरे विष्णु जी की है, देखिए उनकी भी ड्रेस की मैचिंग की पगड़ी है, ये देखिए ना मैच हो रही है ना, उनकी मैं विष्णु जी की नहीं बना पाई तो उनकी मैं मार्केट से लेके आई हूँ, तो ये भी मैच हो गई है, देखिए ये उनकी पगड़ी है, और ये मेरे लड्डू जी के बाल हैं इसमें, और अपने लड्डू जी के लिए बेड लेके आई हैं, पालना सिंहासन वगैरह तो सब है उनके पास, बेड जो सुलाती हूँ वो भी जाली वाला है, ये मैं बॉक्स वाला बेड लेके आई हूँ, इसमें इनका सामान रख लें अंदर कुछ भी, इनकी पगड़ी माला इनका, जैसे देखो ये सामान है आप ऐसे इस तरीके से सेफ इनका रखा रहेगा, इधर उधर पिन्नियों में बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है, अपना मैचिंग के साथ का सब इसमें रखो इस तरीके से, और जब इनको पहनाना हो तो इसमें से निकालो और पहना लो। अब मेरा ना पिन्नियों में बंधा हुआ रखा है इनका सामान बहुत सारा, तो ये ऐसा ऐसे ही बंद हो जाएगा, ये देखिए
ये बॉक्स वाला बेड लाई हूँ। अब मैं बड़ा बेड इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे बड़े लड्डू गोपाल जी लेने का मन है। अभी मैं अभी लिए नहीं है, अभी तो मेरे 3 नंबर के हैं, तो मैं सोच रही हूँ 8 या 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी बड़े लूँगी, तो उसके हिसाब से मैं बड़ा ही बेड लेके आई हूँ, फिर दोनों ही सो जाए करेंगे इससे, तो उसी हिसाब से लाई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरे जन्माष्टमी का सामान कैसा लगा जो मैं अपने लड्डू जी के लिए सब लाई हूँ। मैंने इसमें रख दिया है इनकी माला वगैरह जो है, ये सब कैसा लगा आपको मेरा कलेक्शन इनका लड्डू गोपाल जी का, ये देखिए। अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो कमेंट्स में करके ज़रूर बताइए आप। और मेरी ड्रेस कैसी लगी लड्डू गोपाल जी की, मैंने अपने हाथों से बनाई है, कि फिनिशिंग कैसी है ड्रेस में, ये भी मुझे कमेंट्स में करके बताना कि ड्रेस सुंदर लगी या नहीं। देखो ना, ये सब मुझे कमेंट्स, मैंने पता है मार्केट में देखी, मुझे मम्मी के लिए मजबूरी में लेनी पड़ी, मम्मी की ड्रेस नहीं बन पाई, मेरे को टाइम नहीं मिला। इतनी बेकार उनकी क्वालिटी थी ड्रेस की, बहुत बेकार थी, मेरा मन नहीं था लेने का पर मजबूरी थी, मुझे एक ड्रेस लेनी पड़ी। मैं और अब मम्मी के लिए तैयार करूँगी, अब एक इसलिए मजबूरी में एक मैंने उनके लिए ले ली। और देखो आपको मेरा सामान अच्छा लगता है लड्डू गोपाल जी का कल के लिए जन्माष्टमी के लिए, तो कमेंट्स में करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग कैसा लगा, हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा।